अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी मोस्ट फेवरेट डिश की रेसिपी के साथ आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सऊदी मटन राइस और उसके साथ मैंने बनाई है टोमेटो की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दी है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ से देख लें। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स भी बताऊँगी और उनकी क्वान्टिटी भी। चलें, सऊदी मटन राइस बनाने के लिए मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और मैंने 1 अदद बड़ा प्याज बारीक कटिंग करके पहले ही रख लिया था। और इसके लिए मैंने 13 से 14 अदद सब्ज मिर्चें ली हैं और मैंने अदरक लहसुन लिया है। इसमें से मैं कुछ हिस्सा अदरक का और लहसुन का यखनी के अंदर डालूंगी और कुछ चावलों के अंदर। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इसे मैं भिगो के रख दूंगी। अब इन मसालों में से मैं कुछ यखनी के अंदर डालूंगी और कुछ चावल बनाते हुए। तो नमक मैंने हसबे जायका लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लौंग लिया है, दालचीनी लिया है मैंने 5 अदद बड़ी, सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च साबुत 1 टेबलस्पून, पीसी हुई काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। सबसे पहले हम इसके लिए यखनी तैयार करेंगे, तो हम यखनी तैयार करते हैं। यखनी के लिए मैंने सबसे पहले कुकर लिया और इसके अंदर मैं चीज़ें डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैं बकरे का गोश्त ऐड करूंगी इसके अंदर। मैंने बकरे का गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डालूंगी। मैं लहसुन इसके अंदर सारा डाल दूंगी और मैं कुछ अदरक बचा के रख लूँगी चावलों के लिए, और मैंने डाल दिया अदरक भी। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले कटिंग करके रखा था। अब मैं मसाले डालूंगी। कुछ मसाले मैं इसके अंदर यखनी में ऐड करूंगी और कुछ मसाले मैं चावलों में। तो सूखा धनिया मैं सारा डाल रही हूँ इसके अंदर, दालचीनी मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैं चावलों में डालूंगी, और ज़ीरा भी मैंने हाफ डाला है, और नमक मैं इसके अंदर सारा ऐड कर दूंगी, लौंग भी मैं हाफ ऐड करूंगी और साबुत काली मिर्च भी हाफ ऐड करूंगी, और जो पीसी हुई काली मिर्च है वो मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब ये जो हाफ क्वांटिटी सब चीज़ों की बच के ये हम चावलों में डालेंगे। तो अब मैं इसमें पानी का एक बड़ा जग ऐड कर रही हूँ। अब मैं 7 से 8 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी। पहले मैं इसे कवर कर लेती हूँ, फिर हम इसके बाद कुकर लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया कुकर 7 से 8 मिनट के लिए। कुकर लगाए हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं देखूंगी कि अंदर से अच्छी तरह से बूटियां गली हैं कि नहीं। पहले मैं चेक करूंगी, अगर नहीं बनी होंगी अच्छी तरह तो मैं दोबारा लगा दूंगी। चेक करके बताती हूँ, बन चुकी हैं। मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट के अंदर और फिर मैं इसकी यखनी से चावल बनाऊंगी। यखनी भी हमारी रेडी हो गई है और मैंने बूटियाँ भी निकाल ली हैं। तो अब हम चावलों की तरफ आते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल रेडी हैं बूटियाँ। आधे घंटे के लिए मैं चावलों को भिगो के रख दूँगी पानी में, तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो मैंने पतीला लिया और उसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच ऐड किए हैं घी के, ये तकरीबन 8 टेबलस्पून बनेंगे। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, इसे ऐड कर दूंगी। और मैंने सब्ज़ मिर्च जो दिखाई थी जिनकी क्वांटिटी मैंने पहले बताई थी उन्हें मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, अब मैंने ये इसके अंदर डाल दिए। मैं थोड़ी देर इसे मिक्स करूँगी और कवर करके रख दूँगी। तो देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर जो बोटियाँ मैंने बनाई थी यखनी के अंदर वो डाल दूँगी। मैंने बोटियाँ ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी और इसे कवर कर रख के रख दूँगी। उसके बाद फिर हम यखनी का पानी मैयर करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पानी मैयर करके ऐड करेंगे।
मैंने 1 किलो वाले गिलास में चावल मैयर किए थे। मैं उसी गिलास के लिहाज से 2 यखनी के गिलास ऐड कर दूंगी। अगर हम चावलों का 1 गिलास ले रहे हैं तो हम यखनी या पानी 2 गिलास ऐड करेंगे, हमेशा उसका डबल ऐड करेंगे। तो इसी तरह मैंने मैयर पहले ही कर लिया था और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करके इसे कवर करके रख दूंगी ताकि यखनी बॉयल हो जाए, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को भिगोए हुए 1/2 घंटा हो गया है, अब मैंने पानी गिरा दिया, अब मैं चावलों को ऐड करूंगी। तो ये देखिए यखनी में बॉयल आ गया है, अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी ताकि यखनी का पानी कुछ खुश्क हो जाए। तो चलिए देखते हैं पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। काफ़ी हद तक यखनी का पानी खुश्क हो गया है, इसे मैं दम पे रखूँगी। मैं पतीले के ढक्कन को 1/4 से कवर करूँगी और दम लगाऊँगी। मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो 1/4 से कवर हो गया, हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो चलें 5 मिनट पूरे हो गए हैं, तो देखते हैं चावल कहाँ तक पहुँचे। वाओ, तो चावल हमारे लगता है तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो आए देखते हैं, मैं चेक करके देखूंगी कि चावल बन गया है कि नहीं। थोड़ा सी स्टीम ख़त्म होने दो फिर मैं दिखाती हूँ। चावल बिल्कुल बन चुके हैं, तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। फाइनली हमारे सोधी मटन राइस रेडी हो गए हैं। मैंने इसे टोमेटो चटनी के साथ सर्व किया है। मैंने टोमेटो चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग वहां से देख लें। तो बहुत ही मज़े के बने हैं, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। शेयर और लाइक करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।